गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं लूप का टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट आपके सामने लाया हूँ, जिसमें मैं व्हाइल लूप के बारे में आपको बताऊँगा कि पाइथन में किस तरीके से व्हाइल लूप यूज़ किया जाता है। तो इससे पहले वीडियो में मैंने फॉर लूप के बारे में आपको बताया था, और आज मैं व्हाइल लूप बता रहा हूँ। तो व्हाइल लूप भी लूप का ही एक पार्ट है, और ये भी आपके कोई भी स्टेटमेंट होता है उस स्टेटमेंट को वो इनफाइनाइट टाइम्स तक भी चलाता है, और अगर आपने इसमें टाइमिंग सेट की है तो उसको टाइम तक उसको एग्जीक्यूट करता है। तो व्हाइल लूप भी सपोर्ट करता है आपका बुलियन डेटा टाइप को। बुलियन डेटा टाइप एक ऐसा डेटा टाइप है जो ट्रू और फॉल्स पर रन करता है। कंडीशन अगर हमारी ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट को, नहीं तो वो वहां पर स्टॉप हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमको एक से लेकर 5 तक की नंबर प्रिंट करना है। तो मैंने यहां पर एक वेरिएबल क्रिएट किया आई, उसकी वैल्यू लिया मैंने 1। क्यों? क्योंकि हमने 1 से हमको स्टार्ट करना है। अब मैंने इस पे एक लगाया व्हाइल आई लेस देन 6 कोलन, प्रिंट करा देंगे आई। अगर मैं ये सिर्फ करता हूं सिर्फ, तो यहां पर ये सिर्फ 1 को ही प्रिंट करेगा, लेकिन मुझे 5 टाइम्स तक करना है तो मुझे यहां पर इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। अब मैं इसे, ये आपको क्लियर हो रहा होगा, मैं फिर से क्लियर करता हूं। आई की वैल्यू हमने दी है 1, कि मतलब 1 से स्टार्ट करो। ये मैंने कंडीशन लगाया कि 6 लेस देन 6 माने 5, 1 2 3 4 5, फिर ये प्रिंट करता जाएगा और यहां से वो इंक्रीमेंट करेगा। कहने का मतलब यहां पर ये है, मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं कि जैसे 1 to 5 मुझे चाहिए, तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि मान लीजिए आई की वैल्यू 1 हमने डिफाइन की है, पहला स्टेटमेंट ये चलेगा। उसके बाद वो कंडीशन को चेक करेगा, फिर थर्ड स्टेटमेंट में वो प्रिंट करेगा, और फोर्थ स्टेटमेंट में आई प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा। कहने का मतलब यहां पर ये आया फर्स्ट 1, कंडीशन मेरी क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो यहां पर वो क्या प्रिंट करेगा 1, फिर यहां पर ये आकर हो गया 2 हो जाएगा, फिर 2 कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, फिर यहां पर क्या प्रिंट करेगा 2 को करेगा, और यहां पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर यहां 3 आएगा, कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, यहां पर आएगा 3 आएगा, और यहां पर हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, फिर 4 होगा, कंडीशन मेरी ट्रू होगी, फिर मैं यहां पर आएगा 4 होगा, फिर कंडीशन मेरी यहां पर ट्रू होने के बाद, प्रिंट होने के बाद यहां 5 हो जाएगा, यहां भी 5 होगा, कंडीशन मेरी ट्रू है, और यहां पर 5 प्रिंट हो जाएगा। अब यहां पर इंक्रीमेंट हुआ तो क्या हो जाएगा, 6 होगा, यहां 6 को लेगा, यहां कंडीशन लेस देन भी नहीं है, इक्वल टू भी नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो हमारा प्रिंट करेगा 1 to 5। तो चलिए इसको डिस्प्ले करके देख लेते हैं। रन कराया, रन मॉड्यूल, ओके, 1 to 5 देखिए हमारे सामने हमारा डिस्प्ले हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं, और उस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है। पहले मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मैं क्या चाहता हूं। मैंने एक दूसरा प्रोग्राम बना रहे हैं कि मान लीजिए हमको डिस्प्ले कराना, मतलब हमें प्रोग्राम तो स्टार्ट करना है 1 से ही, और लेस देन 6 तक तो रखना ही है, लेकिन जैसे ही वो 1 2 3 आए, 3 के कंपेयर में आ जाए, तो वहीं पे वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। कहने का मतलब आपको क्लियर हो रहा है कि मैंने कंडीशन तो 6 टाइम तक ही लगाई है, लेकिन जैसे ही वो 3 के कंपेयर में आएगा तो वो क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। कहने का यहां पर ये है, मेरा कुछ इस तरीके से मतलब हो रहा है कि जैसे मान लीजिए आई की वैल्यू 1 है, और मैंने लूप लगाया आई लेस देन इक्वल लेस देन 6, फिर मैंने यहां पर लगाया इस जगह पे मैंने लूप लगाया आई लेस देन 6, फिर मैंने यहां पर प्रिंट कराया। अब मेरे को ये चाहिए कंडीशन कि आई कंपेयर टू 3 के जैसे ही आए, तो वहीं पे वो क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, माने ब्रेक कर जाएगा।
और नहीं तो वो क्या करता जाएगा, इंक्रीमेंट करता जाएगा। तो देखिए, वन कंडीशन ट्रू है, राइट है भाई, वन प्रिंट करेगा, आई कंपेयर टू थ्री के तो अभी है नहीं, तो ये बोलेगा नो अभी नहीं है, और ये क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। फिर यहाँ पे टू आया, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो यहाँ पर इसने टू को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर भी क्या हो गया, नो माने ये कंपेयर में थ्री के नहीं है, थ्री को भी इसने डिस्प्ले कर दिया। फिर यहाँ थ्री आया, यहाँ कंडीशन ट्रू हो गई, और यहाँ पर ये थ्री हो गया, और जैसे ही ये थ्री हुआ यहाँ हो गया यस, और यहीं से वो वापस हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए इसको प्रैक्टिकली हम करके देख लेते हैं। आई की वैल्यू वन है, मैंने लूप लगा दिया इस जगह पे, और यहां पर मैंने प्रिंट भी करा दिया, और इसके नीचे हमको कंडीशन लगा देनी होगी, आई कंपेयर टू थ्री। अब मैं इसको रन कराऊंगा। ओ सॉरी 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 सॉरी, यहां पर हमने स्टेटमेंट नहीं दिया है ब्रेक का, क्योंकि हमको ब्रेक लगाना पड़ेगा। ये देखिए 1 2 3 आ गया, और ये ब्रेक कीवर्ड से ही वो वहां पर ब्रेक हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और दूसरा एक प्रोग्राम और बनाते हैं, और उस प्रोग्राम में अब की हम कुछ अलग सा करेंगे, और उसमें ये करना चाहते हैं, मान लीजिए हम कुछ इस तरीके से करना चाहते हैं कि अब की हम थ्री पे आने के बाद वो ब्रेक कर रहा था, लेकिन अब की हम ये चाहते हैं कि 1 2 और थ्री को इग्नोर कर दे, और 4 5 और 6 को डिस्प्ले कर दे। मेरा क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा आपको। 1 2 हो जाए, 3 को इग्नोर कर दे, और 4 5 6 डिस्प्ले कर दे। तो ये काम कैसे होगा, देखिए मैंने इस बार 0 से ना चला, सॉरी 1 से ना चलाकर 0 से चलाऊंगा, इस बार मैं 0 से चला दे रहा हूं, और मैंने यहां लूप लगा दिए, मान लीजिए मैंने यहां तक के लिए लूप लगा लिया है, फिर मैंने यहां फार्मूला लगा दिया है, और फिर मैंने यहां पे कंडीशन लगा दी कि 3 के कंपेयर में जैसे ही आएगा तो वो इग्नोर करेगा, और यहां पर मैंने प्रिंट करा दिया। अब जरा देखिए ध्यान से, आई की वैल्यू 0 है, यस 0 है, लेस देन है, और यहां पर हो गया 1, ये क्या हो गया, कंडीशन नो है, और यहां पर वो 1 को प्रिंट कर दिया, 1 हो गया, यहां पर 2 हो गया, यहां पर 2 हो जाएगा, और यहां पर नो हो जाएगा क्योंकि 3 के कंपेयर में नहीं है, यहां पर 2 हो गया, यहां पर 2 हो जाएगा, और ये यहां पर 3 हो जाएगा, और यहां पर ये इग्नोर हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, तो मैंने इसको यस लिख दिया, और ये इग्नोर हो जाएगा। तो यहां पर हमको यूज करना पड़ेगा, हमने यहां यूज किया हुआ है क्योंकि हमको आगे बढ़ाना है, तो हमने यहां पर यूज कर दिया कंटिन्यू, कंटिन्यू यूज कर दिया, तो ये 3 को इग्नोर किया, और इग्नोर करने के बाद अब वो प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि हमने उसको इग्नोर कराया है। तो कंटिन्यू कीवर्ड से क्या होगा कि ब्रेक नहीं लगेगा, अगर हम ब्रेक लगाए होते तो ये पहले वाला प्रोग्राम बन जाता, लेकिन हमको तो आगे चलाना है तो हमने यहीं से वो वापस करेगा, प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है, यहां आएगा 2 हो जाएगा, यहां आएगा 4 हो जाएगा, और यहां आएगा 9 हो जाएगा, और यहां पर ये आकर 4 हो जाएगा, फिर यहां पर ये आएगा, मैं इसको ऊपर कर देता हूं आप लोगों को साफ दिखेगा, यहां पर 4 आएगा, यहां पर 2 हो जाएगा, फिर यहां पर ये 5 हो जाएगा, यहां पर ये 9 हो जाएगा, फिर यहां पर ये आपका 5 प्रिंट करेगा, 5 होगा, कंडीशन यहां पर ट्रू होगी, यहां पर 6 हो जाएगा,
यहां पर वो प्रिंट करेगा 9, मतलब 9, और डिस्प्ले करेगा 6। तो हमारा आंसर आ गया 1 2, ऐसे। अब देखिए तरह से यहाँ पर हमारा 6 आता है और यहाँ पर आएगा फॉल्स हो जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो रिजल्ट आएगा 1 2 4 5 6। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। मैंने आई की वैल्यू 0 रख ली है, आप 1 से भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इस बार जानबूझ के कि आपको पता चल जाए कि 0 करने से भी हम प्रोग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने यहां पर इस लाइन को मैं यहां से कट करके इसके नीचे प्रिंट कर देता हूं, और उसके बाद मैं इसको इफ वाला जो फॉर्मूला है इसको भी यहां से कट करके ऊपर प्रिंट कर देता हूं, और उसके बाद मैं यहां पे कंटिन्यू लगा देता हूं, टी न्यू, और इस ब्रेक को मैं यहां से हटा देता हूं। मेरा सारा कॉन्सेप्ट रेडी, पहला वाला हो गया, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, दिस। अब मैं इसको रन कराऊंगा, ये देखिए 1 2 4 5 6 ये हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि इस तरह से हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं हम अपने प्रोग्राम में। हम आपने देख लिया कि व्हाइल लूप इस तरीके से यूज किया गया है, तो और भी बेटर बेटर प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं कि व्हाइल लूप में अभी हमने इफ लगाया है, इल्स भी लगा सकते हैं साथ में, इफ के साथ इल्स होता है। अगर आपको इफ और इल्स नहीं पता है तो आप परेशान मत होइए, मेरी नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इफ और इल्स के ऊपर मैं बनाऊंगा, और उसमें अच्छे से मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि इफ और इल्स होता क्या है, क्योंकि मैंने यहां पर आपको इफ और इल्स के बारे में कुछ नहीं बताया। इफ का प्रोग्राम लगाया तो है बट इफ के बारे में समझाया नहीं है, क्योंकि हमको ये पता है कि आपको इफ पता होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मेरी नेक्स्ट वीडियो जहां वहां पर मैं आपको इफ और इफ इल्स के ऊपर मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। अगर आपको ये आज का टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कई लोगों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।